Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. This is the fourth lecture of science. You have already learned about types of seed and germination of seed in a previous lecture. Students, open the book page number 2. Today we will explain here activity. This activity given in your book, page number 2. इस activity में क्या explain किया गया है कि आप जो है वो free beakers लें. अच्छा, beakers की जगह जाहिर सी बात है, अगर ये हम school में होता तो beakers में करके दिखा देती. अब जो है ये आपको जो है ये आप घर पे भी कर सकते हैं इसको, तो इसके लिए आप beaker की बजाय कोई glass भी ले सकते हैं. इन्होंने इस एक्टिविटी में बताया है कि आप जो है वो 3 बीकर्स लें. यानी कि हमने क्या करा, पहले एक फर्स्ट बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर ले लिया. और इसमें क्या किया कि सबसे पहले ड्राई कॉटन ली, यानी कि जो कॉटन होती है उसको क्या करा, ड्राई बिल्कुल जो है थोड़ी सी इसके अंदर कॉटन रख दी. इसके बाद क्या किया कि कुछ बीन सीड्स लिए. बीन सीड्स आपको पता है कि क्या होते हैं, ठीक है, वो किडनी शेप के जो बीन सीड इस तरीके से थे, ठीक है. ये बीन सीड हमने कुछ लेकर इसके ऊपर जो है वो डाल दिए, यानी कि 3-4 बीन सीड जो है वो इसके ऊपर डाल दिए. ये कौन सा बीकर था, हमारा बीकर नंबर 1, ठीक है. इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले आपने क्या ली, ड्राई कॉटन ली और कुछ बीन सीड लेकर इसके ऊपर डाल दिए. इसके बाद क्या बताया कि आपने क्या करना है, एक सेकंड बीकर लेना है. और इसमें क्या करना है कि वेट कॉटन लेनी है, यानी कि इसको वेट कॉटन में, यानी कि पानी से गीली करके, पानी इस पर डाल के, यानी कि गीली कॉटन लेनी है, वेट कॉटन लेनी है. इसके अलावा इस पे भी क्या करना है, कुछ बीन सीड्स को डाल देना है, ठीक है. वही बीन सीड जो आप पहले भी देख चुके हैं, आपको दिखाई भी गए थे, अब ये जो बीन सीड्स हैं इसमें डाल देंगे. ये कौन सा बीकर था, आपका बीकर नंबर 2, ठीक है. ये आपका कौन सा था, बीकर नंबर 2. इसके बाद क्या करना है, अब एक और क्या करना है, थर्ड बीकर लेना है. एक थर्ड बीकर ले लिया, यानी कि कौन सा है, ये नंबर 3 वाला.
इसको जो है पूरा पूरा या हाफ जो है इसको वाटर से फिल कर लेना है। माने कि यह हमने यहाँ पे कोई कॉटन नहीं ली बल्कि क्या किया इसमें वाटर लिया और क्या किया इसमें भी बीन सीड को डाल दिया। चंद बीन सीड लिए और इनको इसमें डाल दिया। यानी कि इस एक्टिविटी में क्या बताया है तीन बीकर्स ले लिए, तीन बीकर लिए 1 2 3। सबसे पहले वाले में ड्राई कॉटन ली और उस पर कुछ बीन सीड को डाल दिया। उसके बाद दूसरे बीकर में हमने रेड कॉटन यानी कि गीली कॉटन ली और इसको इसके ऊपर भी बीन सीड को डाल दिया। और थर्ड में आपने क्या करा कि सिर्फ वाटर लिया हाफ उसमें और फिर उसमें बीन सीड को डाल दिया। अब इस एक्टिविटी को क्या करें या ऑब्जर्व करें कितने 2-3 दिन तक इसी तरीके से इसमें रहने दें और फिर इसको ऑब्जर्व करें कि क्या होगा। 3 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो फर्स्ट बीकर में क्योंकि ड्राई कॉटन थी और सीड भी धारी बात है ड्राई थे तो जो होंगे कोई चेंज नहीं नज़र आएगा। यानी कि 4 डेज जड़ने के बाद भी कोई किसी किस्म का चेंज नहीं नज़र आएगा। यानी कि यही एक्टिविटी है कि इसमें बताया कि ऑब्जर्व करना है 3-4 डेज के बाद या चंद दिन के बाद ऑब्जर्व करना हुआ क्या। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी धरी ड्राई कॉटन भी ड्राई थी और सीड भी ड्राई थे। अब इसमें देखा सेकंड वाले में क्या थी वेट कॉटन थी ठीक है और इसमें बीन सीड थे। अब ये इसमें जब 3-4 दिन के बाद देखा तो क्या हुआ कि इससे इसमें पता चला कि वेट कॉटन की वजह से ये जो सीड कवर थे आपको पता है सीड कोट एक तो क्या हुआ वो सॉफ्ट हो गए। जारी बात है सीट जो इसका कवरिंग थे ये सॉफ्ट हो गए। और 4 डेज के बाद आपने देखा कि इसके अंदर से जो है वो एक छोटी सी जो है वो रूट्स बाहर की तरफ आ गई। यानी कि वो आपको किस तरह नजर आएगा यानी कि जो सीट है ठीक है इसका जो सीट कोट है जारी सी बात है वो तो थोड़ा सा फट जाएगा नजर आएगा और इसकी जो जो रूट्स है यानी कि थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आएगी इस तरह। यानी कि हर में बाहर की तरफ निकलती हुई थोड़ी सी नजर आएगी। ये ऑब्जर्व किया आपने सेकंड में और थर्ड में वाटर था और बीन सीड थे ठीक है बीन सीड थे और वाटर थे तो इसमें क्या चेंज हुई। तो लास्ट में बात है वाटर के साथ बीन सीड मौजूद है तो इसमें भी क्या होगा कि ये जो सीड कोट है वो क्या है जो पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद फूल जाएंगे ठीक है सॉइल कर जाएंगे ये बड़े नज़र आने लगेंगे। लेकिन इसमें और कोई चेंज नहीं नज़र आएगा सिर्फ ये नज़र आएगा कि ये पानी एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो सॉइल हो गए हैं बड़े हो गए हैं इनमें और जो इनमें जो है और किसी किस्म की चेंज नज़र नहीं आएगी ठीक है। अब इन तीनों एक्टिविटी के बाद जो इन्होंने पूछा है कि आपका रिजल्ट आपको क्या मिला यानी कि ये तो ऑब्जर्वेशन थी कि जो आपने देखा कि एक में कोई चेंज नहीं हुई एक में जो है इसमें रूट्स निकलती हुई भी नज़र आई यानी कि थोड़ी सी ग्रोथ हुई थोड़ी सी इसमें जर्मिनेशन शुरू हो गए और इसमें भी कुछ नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ जो है वो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद बड़े हो गए फूल के। तो इन्होंने कहा कि अब इससे आपने क्या रिजल्ट निकाला। इससे जो है हमने ये रिजल्ट हासिल हुआ कि वाटर जो है सीड को क्या चीज़ भी चाहिए होगी आपको कंडीशन भी मैं पढ़ा चुकी हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस की रिक्वायर्ड होती है वाटर की एयर की ज़रूरत होती है वाटर की ज़रूरत होती है। तो लास्ट बात है कि हर जो बीकर जो है उसमें एयर तो पहुंच ही रही थी लेकिन क्या हो रहा था वाटर जो है यहाँ पे तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं था यहाँ और यहाँ तो इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसमें जो है कि ख़ास टेम्परेचर भी चाहिए था ठीक है अभी ख़ास टेम्परेचर रहती जिस रूम टेम्परेचर में आपने रखे हैं वो उसको एक टेम्परेचर भी मिल रहा। इसके अलावा क्या चीज़ ज़रूरी थी कि सॉइल ज़रूरी थी ठीक है यहाँ पे सॉइल तो नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या ये कॉटन दरअसल उस सॉइल का ही काम कर रही होती कि अगर हम इसको करके देखना चाहें अपनी लैब वगैरह में तो इसमें क्या ये कॉटन दरअसल एक सॉइल का काम कर रही कि उसको जो है वो जो है पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये फूल भी रहे बढ़ भी रहे और उसके अंदर से जो है वो रूट्स भी बाहर आ जाती है। और अगर इसी कॉटन की जगह वेट कॉटन की जगह अगर आप सॉइल डाल दें तो लास्ट बात है उसमें जर्मिनेशन और तेज़ी से नज़र आएगी। इसमें तो सिर्फ इतना होगा कि थोड़ा सा जो है सॉइल करने के बाद रूट्स और थोड़ी सी अगर हुआ
तो ये स्टेम ग्रो कर लेती है, अदरवाइज पूरा प्लांट जो है इसके ऊपर ग्रो नहीं करता। लेकिन फिर भी हमें इस बीकर में तमाम तमाम कंडीशन प्रोवाइड हो रही थी, तो जिसकी वजह से इस बीकर में जो है जर्मिनेशन का प्रोसेस हमें नज़र आया, जबकि इनमें जो है जाहरी सी बात है वो तमाम चीज़ें तमाम कंडीशंस मौजूद नहीं थी जो हमें इस एक्टिविटी के लिए जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए रिक्वायर्ड थी। यानी कि जो आपकी एक्टिविटी दी गई थी एक्टिविटी नंबर टू, ये दरअसल किसको शो कर रही थी कि यह आपकी जर्मिनेशन ऑफ सीड को, कि कैसे आप ये प्रूव करेंगे इसको, आप साइंस लेबॉरेटरी में भी कर सकते हैं, इसके अलावा अपने घर पे भी कर सकते हैं आप। तो आप इसको देखेंगे, आप इसमें यहाँ पे ग्लास भी ले सकते हैं, कोई प्लेट भी ले सकते हैं जिसमें आप ये करके इसको देख सकते हैं कि वाकई हाँ इसकी रूट्स आपको नज़र आएगी निकलते हुए बाहर। तो यानी कि इसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप पिक्चर देखेंगे जो कि बीकर की जगह बॉटल में किया गया है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये उसी बीकर की है जिस जो कि मैंने अभी आपको समझाया था कि सेकंड बीकर जिसमें वेट कॉटन रखी थी उसमें सीड जो है जर्मिनेट होने लगा। आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि ग्रीन कलर की शूट और ब्राउन सी रूट्स भी आपको नज़र आ रही होंगे, यानी कि ये सेकंड बीकर की पिक्चर। स्टूडेंट्स लुक एट द बुक पेज नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस हियर द टॉपिक dispersal of seed. यानी कि आपको मैं क्या समझाने जा रही हूँ, कौन सा टॉपिक आपका है, dispersal of seed। अब आप जैसे कि जानते हैं कि सीड की जर्मिनेशन के लिए जो होती है मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि एयर है, सॉयल है, वाटर है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी प्लांट जब सीड प्रोड्यूस कर रहा होता है, अगर प्लांट्स के नज़दीक ही एक जगह पर ये तमाम सीड गिर जाएं तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यानी कि अगर किसी कोई भी प्लांट है, ठीक है, अगर कोई भी प्लांट है, अगर यहाँ पे कोई भी प्लांट है और उसके फ्रूट्स मौजूद हैं, उसके सीड्स मौजूद हैं और वो एक ही जगह यानी कि एक ही ज़मीन पर गिरे, तो क्या होगा कि वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, उनमें जर्मिनेशन का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर कोई भी प्लांट, जिस तरह यहाँ पे मैं एक प्लांट की डायग्राम आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ठीक है यहाँ पे कोई भी प्लांट मौजूद है और उसमें जो है वो क्या है फ्रूट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है इसके प्लांट्स हैं और इसमें क्या है जो मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स लगे, कोई भी एक प्लांट है जिस फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें, और क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो फ्रूट्स मौजूद है, तो अगर इसके सीड, ठीक है, अगर इसके सीड जो है इसी जगह पर यानी कि एक ही जमीन के ऊपर, यानी कि इसके सीड जो है यहीं पे इतने सारे गिर गए, यहाँ से ही एक जगह पे इतने सारे गिर गए, तो क्या होंगे वो तमाम के तमाम ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि उनको कंडीशंस जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाएंगी। यानी कि अगर एक ही जगह गिरे हैं एक सारे इतने सारे और यहाँ पे सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करना चाह रहे हैं अपने फूड, तो जारी सी बात है इतने सारे होंगे तो वो एक जगह से वो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी तरह इन्हें वाटर और एयर भी जो है वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस जगह पर ही इतने सारे सीड्स मौजूद हैं। लेकिन अगर यही सीड मुख्तलिफ प्लेस पर गिरे, यानी कि ऐसी ज़मीन और रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है लेकिन ये दूर दूर भी मौजूद है, एक यहाँ गिरा, एक यहाँ है ज़मीन पे, यहाँ है, तो और उसको तमाम रिक्वायरमेंट उसकी कंडीशंस पूरी हों जैसे कि एयर है, वाटर है, सब मिल रहा हो, तो वो ग्रो करने लगेंगे। इसीलिए क्या होता है कि ये जो सीड्स होते हैं अगर एक जगह गिरे तो सारे के सारे जो वो नहीं, उसमें हो सकता है एक या दो ग्रो कर भी जाए, अदरवाइज सारे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर दूर दूर जगह पर हो और उन्हें कंडीशन प्रोवाइड हो तो ये जो है इनमें जर्मिनेशन होने लगती है। यही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, द कैरिंग अवे ऑफ सीड टू डिस्टेंस प्लेस
फ्रॉम दियर मदर प्लांट इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी कि सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपने दूर जाना अपने मदर प्लांट से, यानी कि जो उसका प्लांट है जिसका कि मदर प्लांट से दूर जाना सीड्स का क्या कहला रहा होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाता है। अब ये जो डिस्पर्सल ऑफ सीड का प्रोसेस होता है, ये इनके फैक्टर्स क्या क्या है, यानी कि ये किस तरह सीड एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, यानी कि ये भी तो कोई तरीका होगा ना कि कौन सी प्रोसेस होगा, कौन सा तरीका होगा कि जिससे कि ये फ्रूट्स भी हो सकते हैं और सीड भी हो सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, यानी कि वो क्या एजेंट्स हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीड एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कैसे जाते हैं, बाय विंड भी जा सकते हैं, बाय वाटर भी जा सकते हैं, इसके अलावा नंबर 3 बाय एनिमल्स भी जा सकते हैं, अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कैसे, और इसके अलावा नंबर 4th है कि ये क्या करते हैं, सेल्फ डिस्पर्सल। क्या होता है सेल्फ डिस्पर्सल, यानी कि खुद से ही चले जाना एक जगह से दूसरी जगह, कैसे वो अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब ये बाय विंड किस तरीके से होता है डिस्पर्सन का प्रोसेस, के बाय सीड अभी मैं आपको किसके बारे में बता रही हूँ, इसके बारे में। ठीक है, ये वही इसमें क्या होता है कि बाय ये जो होता है बाय विंड जब सीड डिस्पर्सल किस तरीके से होते हैं, कुछ सीड जो होते हैं बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, यानी लाइट वेट के होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं, और उन सीड्स पर कुछ हेयर्स और विंग्स भी मौजूद रहते हैं, यानी कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं बहुत ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं और उसके ऊपर क्या होते हैं हेयर्स, छोटे छोटे से हेयर्स मौजूद होते हैं, या फिर इसके ऊपर इसको कह सकते हैं विंग्स, अब बर्ड्स की तरह तो विंग्स नहीं होंगे लेकिन बहुत छोटे से स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं ये हवा में उड़ के यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, वहां तमाम कंडीशन प्रोवाइड हो जाए उसे, यानी कि वाटर भी मिल जाए, सॉइल भी मिल जाए, टेम्परेचर भी, तो वो ग्रो करने लगते हैं। इसके बाद सेकेंड आते हैं बाय वाटर। अब वाटर के जरिए किस तरह जाते हैं आपको पता है, जैसे कि कोकोनट ट्री जो होता है वह सी कोस्ट पे मौजूद होता है। अब ये कोकोनट जो ट्री जो मौजूद होता है इसका क्या होता है, इसका जो फ्रूट होता है ये होता तो आपको नज़र आ रहा होता है बहुत बड़ा हार्ड है, लेकिन क्या होता है ये लाइट वेट होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, और ये क्या होता है वाटर प्रूफ होता है, और ये क्या होता है वाटर की वेव्स के साथ जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, यानी कि वेव्स के जरिए जो है वो इधर से उधर पहुंच जाते हैं और फिर वहां पे जो है लैंड में पहुंच गए, सी के करीब किसी और जगह पहुंच गए, पानी के करीब पहुंच गए, तो वो क्या होता है वहां पे ग्रो करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बाय एनिमल। ठीक है, अब बाय एनिमल किस तरह होते हैं कि कुछ सीड जो होते हैं जिसके ऊपर हुक्स या स्पाइंस मौजूद होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से स्पाइंस या कांटे मौजूद होते हैं और या हुक्स मौजूद होते हैं, के अलावा क्या होता है कि बर्ड्स और एनिमल्स जब होते हैं कि क्या होंगे स्पाइंस और हुक मौजूद होते हैं, तो वो क्या होता है कि अगर कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह जो है या एनिमल्स भी जो है वो क्या हुआ किसी जगह पे बैठ रहे हैं, वहाँ पे सीड ऑलरेडी पहले से मौजूद थे, तो जब वो एनिमल वहाँ पे बैठा तो क्या वो उसके हेयर से उसकी बॉडी से उसके फर पे ये सीड जो होते हैं स्टिक हो जाते हैं, और फिर वो चल के किसी और जगह चला जाता है, यानी कि वो एनिमल के किसी और जगह जाता है, तो वो जब वो वहाँ पे बैठता है तो वो सीड वहाँ गिर जाते हैं और फिर वो ज़मीन में ग्रो शुरू कर देते हैं, यानी कि बकायदा सारी बात है एनिमल कोई हाथ से उठा के तो नहीं लेके जाएगा, बल्कि क्या वो कहीं पे बैठा तो क्या वो उसकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो गए, कि क्योंकि इनको सीड पे स्पाइंस मौजूद होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं वो उस पर स्टिक हो जाते हैं या हुक की तरह लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिस पे स्टिक हो गया, तो क्या हुआ जब वो दूसरी जगह एनिमल जाके बैठे ज़मीन पर, तो वो जब वहाँ पे गिरे तो क्या हुआ कि
वहाँ पे उनको सारी कंडीशंस मिली, यानी कि वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, तो वहाँ पे वो ग्रोथ शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ होते हैं जिस तरह के एनिमल्स के जरिए हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस तरह बास जो होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो आपको पता है फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, वो बर्ड जब वो फ्रूट्स खाती हैं तो लाजमी बात है जब वो फ्रूट ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी जो सीड्स होते हैं वो भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो भी जो होगा वो वहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एनिमल जो अब जो फ्रूट्स खाते हैं वो इस तरह भी होता है कि वो जो होता है वो फ्रूट्स भी खा रहे होते हैं, साथ में सीड भी अंदर एक खा लेते हैं। तो जब वो अंदर खाने के बाद क्या होता है कि सीड जो और उनके जो फ्लैश पार्ट होता है फ्रूट का वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, जो सीड्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होते, तो उनके वेस्ट प्रोडक्ट की सूरत में जब वो बाहर की तरफ रिलीज करते हैं तो वो ज़मीन पर जब गिरते हैं तो वहाँ पे भी जो अगर कंडीशन प्रोवाइड हो तो वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि बाय एनिमल्स के ज़रिए हमें मुख्तलिफ या तो खा के या उनकी बॉडी से चिपक के या इनके या उनके वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे भी जो है वो सीड दोबारा ज़मीन पर आ जाते हैं और वो जो है वहाँ पर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अब जो है टॉपिक वो क्या है, सेल्फ डिस्पर्शन। अब सेल्फ डिस्पर्शन क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है पी पॉट होती है, ठीक है, मटर की फली सबने देखी होगी, पी पॉट जो होती है, ठीक है, उस तरह होती है ना, मटर की फली आपने देखी होगी, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, पी मौजूद होते हैं। ठीक है, पी पॉट इसके अंदर जो हम इसको खोल के देखें इसमें जो होते हैं पी मौजूद होते हैं। अब ये क्या होते हैं कि जब ये लगे हुए होते हैं प्लांट के साथ, ठीक है, जब ये क्या होते हैं एकदम से जो ड्राई हो जाते हैं, जब तो क्या होगा कि ये खुद ब खुद जो होती है इसका जो पॉट होता है वो क्या होता है, फटता है। ठीक है, फटने की वजह से क्या होते हैं ये जो उसके दाने हैं बिखर जाते हैं ज़मीन पर, दूर दूर कहीं बिखर जाएंगे और फिर वहाँ पे जो है वो ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे, यानी कि एक्सप्लोशन के जरिए बहुत ज़्यादा तेज़ से खुलते हैं, गिरते हैं और जो है वो दूर बिखर जाते हैं जहाँ पे वो ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक समझाया वो क्या है, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल सीड, यानी कि या फैक्टर्स भी कह सकते हैं, किस तरह सीड एक जगह से दूसरी जगह गए, कैसे गए थे, बाय विंड के जरिए अगर लाइट वेट हो, बाय वाटर के जरिए भी जाते हैं वेव्स के जरिए, बाय एनिमल्स के जरिए जा रहे होते हैं, और सेल्फ डिस्पर्सन यानी कि खुद ब खुद वो जो उनकी फली फटती है, फटता है तो वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। देयर आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सीड और फ्रूट डिस्पर्सल dispersal by air or wind, some seed dispersal by water and some seed dispersal by animals or birds. Class 5, now moving onward homework. आपका होमवर्क क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, आज जो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, आप जहाँ तक एंड हुआ है वहीं से डेट डाल के स्टार्ट कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, डिफाइन डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट क्या है, आपको जो है डिफाइन करना है। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में इसका आंसर लिखिएगा, दोनों साइड पे स्पेस रखिएगा डेफिनेशन लिखते वक्त, ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल सीड एंड फ्रूट। ठीक है, यही जो टॉपिक आपको आज एक्सप्लेन किया है वही टॉपिक है, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल सीड एंड फ्रूट। सबसे पहले आप इस तरह लिखेंगे, देयर आर द फॉलोइंग एजेंट डिस्पर्सल सीड्स एंड फ्रूट। आप नंबर 1, 2, 3, 4 करके आप क्या करेंगे, यहाँ इस तरह लिख लेंगे, डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड सेल्फ डिस्पर्सल। ठीक है, आप इस तरह ये लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था आपको, पार्ट्स ऑफ अ डाइकॉट सी। ठीक है, इसका आंसर आप ये लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइकॉट सीड, हेडिंग डालिएगा, फिर इसी तरीके से इसको लिखिएगा, डाइकॉट सीड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, फिर एक की हेडिंग डाल के सीड कोट, फिर इसको डिफाइन कीजिए,
इसके बाद कॉटिलीडन है, इसको डिफाइन कीजिए। इसके बाद एम्ब्रियो या बेबी प्लांट, ठीक है, में एम्ब्रियो या बेबी प्लांट है, इसको डिस्क्राइब कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा आंसर आप लिख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेक्स। यहाँ तक आपका आज का होमवर्क है। और इसके अलावा आपने एक और काम करना है, इसके सामने जो है डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे पार्ट्स ऑफ अ बीन सीड। ठीक है, इसकी लेबलिंग भी इसी तरह कीजिएगा, कलरिंग कीजिएगा। साइड पे रेडिश सा दिखा दिया है, उसलिए वैसे तो सीड कोट जो है रिमूव हो जाता है, लेकिन इसको पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर इसके अंदर का पार्ट जो है बहुत ही लाइट येलो ऑफ वाइट कलर इसको अंदर कीजिएगा। और जो है ये प्लोमियल और रेडिकल को ग्रीन से या ब्राउन से शो कर दीजिएगा। वैसे तो आपको पता है ऑफ वाइट ही रंग का होता है खोल के देखा, लेकिन इसको सिर्फ ड्रॉ करने के लिए ताकि ये प्रोमिनेंट नज़र आए। और इसी तरीके से ड्रॉ कीजिएगा कि ऊपर से अटैच हो और नीचे से हिस्सा खुला हुआ हो। ठीक है, इसको गौर से देख लीजिए। डायग्राम बिल्कुल एज इट इज़ ही आपने बनानी है कि किस तरीके की ये बनी हुई है आपकी। ठीक है, बुक में एक अलग थी, लेकिन जो पार्ट्स मैंने जिस तरीके से समझाए हैं आपको, ताकि आपको क्लियर जो समझ में आया है वही चीज़ आप अपनी कॉपी में भी कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक है आपको करना है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास इंटरलीव पेज मौजूद नहीं है तो आप क्वेश्चन के एंड होने के बाद, जैसे ये क्वेश्चन एंड हो गया, आप नेक्स्ट पेज के ऊपर भी या उसी पेज की अगर नीचे जगह है तो वहाँ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन्स वाले पेज पर भी। ठीक है, वो तो जब आपको स्कूल से जर्नल प्रोवाइड होता है और जो है इंटरलीव है तो उस पर करें, अदरवाइज वैसे कोई सब मसला नहीं है। आप उसके नीचे भी लाइंस वाले पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम। ठीक है, आप यहाँ से आपको कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4 to 6, यानी कि 4 to 6 जो है आज का मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पूरी के डायग्राम भी किस तरह उसको साथ साथ करते रहिएगा, एक साथ इस चैप्टर को रखिएगा, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेस्ट हो या आपको याद करना हो तो एक जगह आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएं। क्योंकि एक साथ आप जमा कर लेंगे काम, तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या चीज़ किस तरह करना है। यानी कि लेक्चर आप समझें पहले और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो कॉपी करते रहें। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड ऑल्सो होमवर्क। Remaining chapter will be explained in the next class. Thank you and Allah Hafiz.